सलमान की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने फ्लाइट में बदसलूकी का लगाया आरोप, ट्वीट कर जाहिर की नाराजगी। साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े आज बड़ी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। पूजा हेगड़े जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अब एक्ट्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर फैंस में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल पूजा हेगड़े ने हाल ही में एक फ्लाइट के स्टाफ को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पूजा हेगड़े ने ट्वीट के जरिए अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। ट्वीट करते हुए पूजा हेगड़े ने लिखा, इंडिगो के स्टाफ मेंबर के रूड व्यवहार से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुंबई से निकली एक फ्लाइट में एक शख्स के बदसलूकी ने मुझे बहुत ही ज्यादा अपसेट किया। बिना किसी वजह के उन्होंने अहंकारी, अज्ञानी और धमकी भरे लहजे के साथ हमारे साथ व्यवहार किया। आगे लिखा कि इस तरह के मुद्दे के बारे में ट्वीट नहीं करती, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा डर पैदा करने वाला है। पूजा हेगड़े ने जैसे ही अपने ट्विटर अकाउंट पर इंडिगो के खिलाफ ट्वीट किया, तुरंत ही इंडिगो ने उनसे माफी मांगते हुए उनके ट्वीट का जवाब दिया। इंडिगो से जुड़े लोगों ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस हेगड़े, आपके इस अनुभव के लिए हमें माफ करिए, हम आपसे तुरंत ही कनेक्ट होते हैं, प्लीज आप हमें अपना नंबर कॉन्टेक्ट नंबर के साथ भेज दीजिए। वहीं पूजा हेगड़े के वर्क फ्रेंड की बात करें तो पूजा हेगड़े की हाल ही में फिल्म आचार्य रिलीज हुई थी, जिसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म में पूजा की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया और अब वह सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में सलमान की लीड एक्ट्रेस के किरदार में नजर आएंगी। पूजा हेगड़े अपनी खूबसूरती को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं और हाल ही में उन्होंने कांस में भी हिस्सा लिया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी।